नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं और हम सब सच्चे मन से माता रानी की आराधना करना चाहते हैं। कुछ लोग संशय में हैं कि गुप्त नवरात्र के बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं कि कोई भी गृहस्थ किस प्रकार आसानी से कोई भी साधना या कौन से नियम पालन करके, कौन से पूजन को करके या कौन से उपाय को करके आप सब इस गुप्त नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि काली माँ कलयुग है। इस युग में काली माँ की साधना ही श्रेष्ठ मानी गई है, चाहे गृहस्थ हो या तंत्र मंत्र मानने वाले। बस अंतर ये होता है रूप का कि किस स्वरूप में हम देवी माँ की पूजा करते हैं। हम सब ऐसा सोचते हैं कि गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र जानने वाले ही कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप किसी भी दिन देवी का पूजन कीजिए, बेस्ट फल ही प्राप्त होता है। पर नवरात्र वो काल होता है, वो खास रात्रियां होती हैं जिनका हर किसी को इंतजार रहता है, चाहे वो प्रकट नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र, क्योंकि इस समय शक्तियां जागृत हो जाती हैं। साल में खास चार नवरात्र आते हैं, चैत्र और अश्विन, सभी जानते हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ के नवरात्र विशेष चमत्कारी कहे गए हैं और गुप्त माने गए हैं। इन नवरात्रों में जो भी आपकी खास मनोकामना हो, आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, किसी संकट से बाहर आना चाहते हो, तो माता रानी से जुड़ना चाहते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई अवसर होता ही नहीं है। एक साधारण साधक एक गृहस्थ माता रानी की गुप्त नवरात्रों में पूजा कैसे करें, माँ से जुड़ने के लिए गुप्त नवरात्र के पूजा नियम बताती हूँ। जैसे नवरात्र नौ दुर्गा होती हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का ध्यान किया जाता है। माता पार्वती के शरीर से जब क्रोध में रूप धारण किए थे, तब 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी। उनमें काली माँ, तारा रानी माँ, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगला मुखी और माँ मातंगी, माँ कमला देवी प्रकट हुई थी। आप चाहें तो सभी महाविद्याओं का अलग अलग पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक महाविद्या का कोई भी मंत्र लेकर पूरे गुप्त नवरात्र जाप कर सकते हैं और 10वें दिन दशांत हवन कर सकते हैं। इन नवरात्रों में आप नॉर्मल नवरात्रों की तरह ही पूजन चौकी लगा सकते हैं, घट स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पूजा का चयन भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन सुबह के समय सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और कोशिश करें कि आप हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ सुथरा करके अपनी पूजा शुरू करें। चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगाएं, घट स्थापना करें, अखंड ज्योत करें। उसके बाद अपनी पूजा में सबसे पहले संकल्प लें कि प्रथम दिन हम काली माँ की पूजा करेंगे। आप कुछ भी इन 9 दिनों में माँ के लिए गुप्त रूप से छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। आप चाहते हो तो चीनी भी छोड़ सकते हो, चाय, दूध, कुछ भी आप खाना पीने का, पहनने का अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखें, गुप्त नवरात्र में पूजा पाठ या आप जो भी कर रहे हैं नवरात्रों में, उसे गुप्त रखें। माँ को 9 दिन श्रृंगार अर्पण जरूर करें। इस 9 दिन आपको माँ को झंडे अर्पण जरूर करने हैं। गुप्त नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा करते वक्त दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर पढ़ें। माँ को अलग अलग तरह के मिष्ठान का 9 दिन भोग लगाएं। माँ काली को खीर बहुत पसंद है, तो आप पूरे गुप्त नवरात्र खीर का भी भोग लगा सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में माता रानी का बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप जरूर करें। इस मंत्र से माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ को पान सुपारी नारियल का भोग लगाएं। माँ को पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। गुप्त नवरात्रों में बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए 5 तरह के फलों को किसी कन्या को दान जरूर करें। ऐसा करने से बीमारी दूर होगी। गुप्त नवरात्रों में माँ को सिंदूर चढ़ाएं और केसर का जयकारा शेरावालिता। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
ओ